वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन के बाद अब वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि एक ओर जहां ये कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन हो, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री निगमो के वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने में लगे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं पता नहीं। इस बारे में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर बंद किए गए वैक्सीनेशन सेंटर्स को खोलने की मांग की है। मोबाइल फोटो दिखाते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निगमों के चलाए जा रहे वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने का आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का कहना है, दिल्ली में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री निगमों के चलाए जा रहे वैक्सीनेशन सेंटरों को बंद करने पर आमादा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के मुताबिक नॉर्थ एमसीडी में 64 वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे थे, लेकिन सीएम के आदेश पर 24 सेंटर बंद करवा दिए गए। इस तरीके से ईस्ट एमसीडी में 20 सेंटर चल रहे थे, 1 मई को 8 सेंटर बंद करवा दिए। साउथ दिल्ली में 53 सेंटर चल रहे थे, 40 सेंटर और बढ़ाने को कहा था, 53 सेंटर की जगह अब 40 ही सेंटर चल रहे हैं। दिल्ली के युवा लोगों को ज्यादा जरूरत है तो वो 64 से घटाकर उन्होंने 40 सेंटर कर दिए, यानी 24 सेंटर बंद कर दिए हैं दिल्ली सरकार ने। यह बड़ी दुख की बात है, जब दिल्ली के अंदर अभी तक 20 सेंटर चल रहे थे, 20 की रिक्वेस्ट उन्होंने दी है ऑलरेडी और 1 मई से इनको घटाकर 12 सेंटर कर दिए हैं। नगर निगम में 1 मई से पहले 53 सेंटर्स चल रहे थे और 40 सेंटर साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन की ओर से यह कहा गया कि हम 40 सेंटर और बढ़ाएंगे दिल्ली गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर, और यहां पर भी 40, अभी 53 की जगह 40 चल रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का कहना है, इस वक्त लोग कोरोना महामारी से इतना डरे हुए हैं, सभी लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। इसको लेकर तीनों निगम अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल जो कोरोना की लड़ाई में दिल्ली वालों को इलाज दिलाने में फेल साबित हुए हैं, अब वो देश भावना की राजनीति कर निगमों को काम नहीं करने दे रहे हैं। संक्रमण की लड़ाई पूरी दिल्ली में मिलकर लड़नी है, उसमें दिल्ली नगर निगम किसी भी तरीके से कहीं भी पीछे नहीं है, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, सैनिटेशन हो, डीबीसी वर्कर हो, हेल्थ वर्कर हो, हॉस्पिटल हो, ऑक्सीजन हो, हर मोर्चे पर निगम बेहतर काम कर रहा है और इस वैक्सीनेशन के मोर्चे पर भी अच्छा काम कर रहा था। ऐसे में ये भेदभाव दिल्ली सरकार क्यों कर रही है? और आज जब स्थिति है, आप लोगों के पास भी फोन आते होंगे, हमारे पास भी आते हैं, कई लोग जब से ये बीमारी का भयावह रूप आया है तब से लोग वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं। वैक्सीन को लेकर सीएम केजरीवाल कह रहे हैं वो सभी दिल्ली वासियों को वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार जरूरत के हिसाब से वैक्सीन नहीं दे रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल वैक्सीनेशन सेंटर बंद करवा रही है। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये तो नेताओं का ईमान ही जाने। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।